नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंसर ऑफिशियल में। आज है 9 अगस्त 2020 और आज हम लेकर आए हैं हर सप्ताह की तरह आपके लिए बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। जी हाँ, संडे स्पेशल की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक सप्ताह के करंट अफेयर को मात्र 20 मिनट में। इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे 7 दिन के करंट अफेयर के, बेस्ट करंट अफेयर के, जिनके आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक बनती है, उनका जिक्र करने वाले हैं। आपको बहुत सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू महोदय, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वही बने हैं भारत देश के 14वें कंपटरोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद। आपको याद होगा यह पहले केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, जिसका गठन किया गया था, उसके उपराज्यपाल बने थे। और जस्ट इन्होंने हतप्रद करते हुए 5 अगस्त 2020 को ठीक एक वर्ष पूरे हो जाने पर, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने पर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक और कुछ दिनों के बाद, इट मींस 8 अगस्त 2020 को ये भारत देश के नए सीएजी बनकर यहाँ पर उभरे हैं। राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं गुजरात कैडर के, और नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी पसंद के, क्या है भाई, प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। कैग की स्थापना हुई है भारत देश में 1858 में। भारत देश का जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, उसकी ऑडिट करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। ये अपनी रिपोर्ट पीएसी, जो लोक लेखा समिति होती है, उसे सौंपने का कार्य करती है। आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू महोदय को। आपको याद होगा, जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए थे मनोज सिन्हा। मोदी सरकार का जो पिछला वाला कार्यकाल था, इट मीन्स एनडीए वन का, यहाँ पर रेल राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। और इस साल वो गाजीपुर से जो लोकसभा का चुनाव था वो हार गए थे। अब इन्हें इट मीन्स मनोज सिन्हा महोदय को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बनने की। पहले कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी यहाँ पर बने हैं यूपीएससी के नए चेयरपर्सन। अरविंद सक्सेना जी के यहाँ पर जगह लेने वाले हैं। इसके पहले यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2015 में ही में यह यूपीएससी में एज अ मेंबर के तौर पर यहाँ पर शामिल हुए थे। अब इन्हें मई 2021 तक अध्यक्ष का पदभार यहाँ पर दिया गया है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं जोशी जी नए चेयरपर्सन को। साथ में आपको पता होगा, भारत देश में जो ए ग्रेड की प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, उसकी चयन की जिम्मेदारी ही होती है संघ लोक सेवा आयोग के पास में। यही महत्वपूर्ण सिलेक्शन है जो आपको स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में शामिल करने के लिए पेपर कंडक्ट कराता है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, और यह सतीश चंद्र शाह महोदय प्रकाश जावड़ेकर के भी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो इनके पास अनुभव भी काफ़ी है। यंग पर्सन है, देखते हैं मोदी जी के साथ ही कैसा काम करते हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी नए सचिव, जो नए निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था पी प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भाई भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों यहाँ पर। देखिए, प्रवीण सिद्धार्थ बने हैं राष्ट्रपति महोदय के निजी सचिव, और यहाँ पर सतीश चंद्र शाह बने हैं नरेंद्र मोदी जी के क्या, प्राइवेट सेक्रेटरी। अगला प्रश्न देखिए, सहकार कॉपवॉच एनडी या एनसीडीसी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह चैनल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इट मींस एनसीडीसी के द्वारा, जो केंद्रीय कृषि किसान मंत्री हैं भारत देश में श्री नरेंद्र सिंह तोमर महोदय, जो ग्वालियर की सांसद की सीट है वहां से जीते हैं, उन्हीं के द्वारा यह जारी किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने एनसीडीसी का एक, क्या है भाई,
क्या लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं एक चैनल लॉन्च किया गया है जिससे सहकारिता को बढ़ावा मिलने वाला है देश में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इट मींस आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में किसे या किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अब एचडीएफसी बैंक के नए नए सीईओ बनने वाले हैं यहाँ पर शशिधर जगदीशन, अति महत्वपूर्ण है यहाँ पर आदित्य पुरी की ये जगह लेने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आदित्य पुरी सितंबर 1994 से लेकर कब तक 2020 तक एचडीएफसी के सीईओ रहे हैं। साथ ही साथ इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी बन गया है कि भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये प्रमुख बन गए। आप समझ सकते हैं 1994 से लेकर 2020 तक इन्होंने सीईओ के पद पर कार्यरत किया, तो एचडीएफसी को जो बुलंदियों पर पहुँचाया है उसमें आदित्य पुरी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब देखते हैं शशिधर जगदीशन महोदय कहाँ तक इसको आगे लेकर जाते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। बैंकिंग के बच्चे लिख लें इसकी टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नए नए सीईओ महोदय को, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से यहां पर कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चलाई जाएगी नासिक के देवलाली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में, इट मींस महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई जाने वाली है किसान रेल। आपसे स्पेसिफिक स्टेशन के भी नाम पूछे जा सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देवलाली से दानापुर, भूलिएगा मत, देवलाली से दानापुर, डी और डी, क्या भाई किसान रेल। यह ट्रेन मात्र 31 घंटे में लगभग 1500 किलोमीटर की यहाँ पर यात्रा करने वाली है। खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए यह किसान रेल विशेषतः भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, कच्चा माल होता है, किससे संबंधित, मुख्यतः एग्रीकल्चर से संबंधित, जिनके खराब होने का जो समय है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, उसी से बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया था, जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जो रेल मंत्री पीयूष गोयल, इनके द्वारा यह किया गया था। आप किसान रेल का जो मेन कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं, भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए ये सब करने का प्रयास किया जा रहा है। सब्जियों फलों और क्या है बेसिकली कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में पहुंचाने में यह मदद साबित होने वाली किसान रेल अपनी तरह की पहली है, देश की किसान रेल है, इसलिए आपसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। महाराष्ट्र से कहाँ भाई, बिहार, डी टू डी, भूलिएगा मत। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भारतीय रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, जिसने OHE ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में उच्च पहुँच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला पहला रेलवे बनकर यहाँ पर उभरा था। यहाँ पर भी दोनों स्टेशनों का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है पालनपुर और बोटाद रेलवे स्टेशन। तो फिर मैं कह रहा हूँ अपनी तरह का ऐसा पहली बार किया गया था कि एक ही क्या है कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख दिया। आप देख सकते हैं ये मान के चलिए दो ट्रेन का काम यहाँ पर एक ही ट्रेन में कर दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक की जो ऊंचाई है इलेक्ट्रिक तार की, वो काफ़ी हाइटेड हो गई है, इट मीन्स 7.57 मीटर यहाँ पर हाइट कर दी गई है OHE की। यही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ में लोडेड ट्रेन भी यहाँ आपको सामने देखने को मिल रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत के पहले केबल रेल पुल, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का भी निर्माण यहाँ पर क्या है भाई किया जा रहा है, जिसका नाम है अंजी खाद पुल, और ये जोड़ने वाला है कटरा को रियाजी से। जी हाँ, कटरा को रियाजी से जोड़ेगा, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर बन रहा है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया जा रहा है भाई। दुर्गम जो इलाके हैं कश्मीर के, उन्हें जोड़ने का यहाँ पर प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत भारत देश का पहला कौन सा भाई केबल स्टे पुल बनाया जा रहा है, इट मीन्स एक बड़ा सा पिलर बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं पिलर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ लगभग जो इसकी कुल लंबाई है लगभग 500 मीटर के आसपास होने वाली है, और जो मेन खंभा है वो 331 मीटर का होने वाला। आप देख सकते हैं एक मेन खंभा होगा, एक मेन पिलर होगा, और उसी से तार के माध्यम से, केबल के माध्यम से पूरे ब्रिज को बांध दिया जाएगा। इस तरह के ब्रिज, इतनी बड़ी हाइट के ब्रिज आज तक भारत देश में बने नहीं है। आपको याद होगा भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का भी लक्ष्य रखा है यहाँ पर 2000
30 तक। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा जाते हैं कि कब तक लक्ष्य रखा गया, 2020, 2025, 2030, 2035। यहाँ पे आंसर आएगा 2030। अब देख सकते हैं किस प्रकार से उसके जो प्रोजेक्शंस हैं, किस प्रकार से जो उनके उद्देश्य हैं वो सामने रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के वित्त वर्ष 2020 और 21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट कितने पर रखी गई है। तो आपको पता है हर दो दो माह में मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है आरबीआई, उसी के तहत इस साल की क्या है भाई, द्वितीय मौद्रिक नीति समीक्षा यहाँ पर सामने रखी गई है, दूसरी बैठक, इट मीन्स दो महीने की। वहाँ पर जितनी जो हमारी बेसिक रेट्स थे उनको उसी पर स्थिर रखा गया है, रेपो रेट को 4% और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% का पर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ एमएसएफ और बैंक दर को भी जस की तस 4.25% पर रखा गया है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो रहा है कि आरबीआई यहाँ पर इस साल का जो अनुमान है वो यह बता रहा है कि 2020 और 21 में पूरी की पूरी वास्तविक जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वह नेगेटिव रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है आरबीआई के द्वारा। यह भारत सरकार के लिए अत्यंत शोचनीय समय है इस कोविड-19 परिस्थिति को सामने देखते हुए। देखते हैं यह प्रोजेक्शन कहां तक सामने जाता है, यह तुलना या यह अनुमान कहां तक सच्चा साबित होता है। मौद्रिक नीति की जो हमारी समिति है वह 6 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास करते हैं, और जो डिप्टी गवर्नर है वही है मौद्रिक नीति के प्रभारी जिनका नाम है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक भी यहाँ पर जारी किया गया था, जहाँ पर मौद्रिक नीति से संबंधित क्या है, मनी से संबंधित, मनी के फ्लो से संबंधित, डिमांड और सप्लाई से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर सामने रखा गया था, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। चाहें तो आप इसे सामने से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला किसने रखी। तो जो भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, जिन्हें हम कुछ दिन पहले एचआरडी मिनिस्टर कहा करते थे, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर धौला कुआं में IIM की स्थापना की गई है। बेसिकली प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि IIM धौला कुआं किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में आता है धौला कुआं। मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा IIM सिरमौर सहित 7 नए IIM की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, इसी में से एक था IIM धौला कुआं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप सामने इसके देख सकते हैं। वर्चुअल इसकी बिगनिंग की गई है, शुरुआत की गई, उसे भी आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन। Atlas V रॉकेट के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, प्रक्षेपित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आप समझ सकते हैं, आप इस फोटो को देखिए। एक तो यहाँ पर नई नई लैंडिंग टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, नए तरीके से यहाँ पर लैंडिंग होगी इस रोवर की। दूसरी बात यह है कि मिट्टी के परीक्षण की भी बात की जा रही है। और तीसरी बात आप यहां पर देख सकते हैं, एक हेलीकॉप्टर, जी हां, जिसका नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब इसका नामकरण हुआ था मेरे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। यह इंजीन्यूटी जो नाम है यह एक भारतीय छात्रा के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, जो आपके प्रश्न पत्र में मुझे लगता है पूछा ही जाएगा। अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा मानव जाति के द्वारा पहली बार किया जा रहा है कि धरती के बाहर किसी ग्रह में किसी चीज़ को उड़ाया जाएगा। जी हाँ, इसीलिए दिख तो आपको ड्रोन जैसा रहा है छोटा सा, लेकिन इसे हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है। तो आप उस भारतीय छात्रा का नाम ज़रूर बताइएगा जिन्होंने इंजीन्यूटी नाम यहाँ पर सजेस्ट किया था, जिसे नासा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। देखते हैं ये इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और किस हद तक मानव जाति के विकास को मंगल ग्रह में स्थापित करने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या है भाई, हमारा परसिवरेंस मिशन नासा का यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा मंगल में ही स्वतंत्र रूप से, आप देख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से चाइना के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था Tianwen-1। अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है,
क्योंकि यह अभी तक का चाइना का क्या है भाई, पहला पहला मंगल मिशन सफल ऐसा दिखता हुआ साबित होता दिख रहा है। आपको याद होगा कि 2011 में रशिया के सहयोग से चीन ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन वह मंगल पर पहुंचने पर सफल नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर ये तियानवेन-1 मिशन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके सबसे बड़े रॉकेट, इट मीन्स चाइना ने अपने सबसे बड़े रॉकेट मार्स 5 रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया है। आप इसका जो जो शाब्दिक अर्थ है उसे देख सकते हैं, जिसका अर्थ अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल। किसका मतलब? तियानवेन-1 का। अब देखते हैं तियानवेन-1 कहाँ तक यहाँ पर सफल होता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अरब जगत और किसी मुस्लिम देश का पहला पहला मानव रहित मंगल मिशन हो, जिसका नाम है अल अमाल, जारी किया गया था, जिसे एक सऊदी देश, इट मींस यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से, जिसे जापान के सहयोग से HAAA रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। तो हम जानते हैं कि 4 देश ऑलरेडी मंगल पर पहुंच चुके हैं, नासा सफल हो चुका है, रशियन जो स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस वो सफल हो चुकी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो सफल हो चुकी है, और चौथा सफल देश बना था मंगलयान छोड़कर भारत देश। अब 5वें नंबर के लिए यहाँ पर जंग हो रही है। देखते हैं या तो यूएई का होप मिशन पहुंचेगा या चाइना का तियानवेन-1 मिशन यहाँ पर पहुंचने वाला है। अब देखते हैं कि आखिर में कौन पहले पहुंचता है और कौन बाद में पहुंचता है। ये भारत देश के मंगल मिशन को आप देख सकते हैं, जिसने मात्र 400 करोड़ रुपए में ही मंगल तक की क्या है भाई, पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर ली थी, और इसी सफलता की खुशी में इसे 2000 के नोट में जगह भी दी गई। आप फोटो में देख सकते हैं, प्रश्न बन चुका है कि किस नोट में मंगलयान की फोटो छपी हुई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने अपने पहले पहले मिलिट्री सेटेलाइट, जिसका नाम NSS-2 रखा था, इसका भी प्रक्षेपण किया था। किसकी सहायता से? अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी SpaceX, उसके द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया था। तो 10वां देश बन गया है साउथ कोरिया मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखने वाला। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस कंपनी के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया था? तो SpaceX कंपनी के द्वारा यह प्रक्षेपण यहाँ पर किया गया था। आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। स्पेसएक्स की स्थापना हुई 2002 में, इसके संस्थापक और सीईओ एलन मस्क, और कैलिफोर्निया में इसका पड़ता है मुख्यालय। अगला प्रश्न देखिए, विश्वेश कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं, स्पोर्ट्स से काफी चीजें, काफी बुक्स लिखती रहती हैं, निरुपमा यादव, इन्हीं के द्वारा यह लिखी गई है बुक विश्वेश कोड टू विन। जब राष्ट्रीय खेल दिवस होगा इसी माह के लास्ट में 29 अगस्त को, तभी ये लॉन्च की जाने वाली है। आप देख सकते हैं यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है, प्रेरणादायक कहानी है। इसी इन्हीं को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यह क्या किया गया भाई, बुक लिखी गई। आप देख सकते हैं विश्वेश महोदय को। अगला आपको याद होगा, देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के पहले पहले कंप्यूटर माउस के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो विलियम किर्क इंग्लिश, ये क्या थे भाई, इन्होंने ही कंप्यूटर माउस बनाया था, जी हाँ, जो आजकल आप सारे लोग चलाते हैं, और उसी का आप एक अगला परिवर्तित रूप टच स्क्रीन सामने आ गए, इन्हीं की देन थी विलियम किर्क इंग्लिश के द्वारा। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे, 60 के दशक में इन्होंने बिल इंग्लिश के द्वारा बनाया गया मूल माउस, केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था इसमें, इसे ही बनाया था, और उस समय इसे सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया था। इसीलिए विलियम किर्क इंग्लिश क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देख सकते हैं महोदय को, जिनका निधन हो चुका है, साथ में जो उन्होंने माउस बनाया था, देख सकते हैं आप, जब बिगिनिंग होती है तो कितनी सिंपल होती है, बाद में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और विकास करके व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मशहूर राज्यसभा के सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है, वे मुख्यतः किस किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, बहुत प्रखर नेता थे, और राजनीति में पद की लालसा ना करने वाले नेताओं में गिने जाते थे। अब उनका निधन हो गया था, बहुत 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 स्पष्ट बोलने वाले नेताओं में से एक थे, जिनका अब मुझे भी चीजें सुनने को या क्या अनुभव जानने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है? तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं, 1988 से लेकर 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति रहे, और इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये नेता अब इस दुनिया में
नहीं रहे। अगला प्रश्न देखिए, एनबीबी ने अपने बैंकिंग लेन देन को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए किसको चुना है? तो इसके लिए एक इंडियन कंपनी इंफोसिस फिनेकल को यहाँ पर चुना गया है। यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाहर विदेशों के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब भारतीय कंपनियों को मिलने लगे हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि आईटी दिग्गज गूगल ने RIL के जियो प्लेटफॉर्म में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी? तो 33,000 करोड़ रुपए में यहाँ पर लगभग 7.73% हिस्सेदारी खरीदी थी। आप देख सकते हैं 43 जनरल मीटिंग हुई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर घोषणाएं भी की थी मुकेश अंबानी ने। कुल मिला के कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पर 33% स्टेक का क्या है निवेश खींचा है जियो ने, 1.5 लाख करोड़ रुपए का। इसी के साथ भारत देश की पहली 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके जो मालिक है मुकेश अंबानी है, दुनिया के 6वें सबसे अमीर शख्सियत बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है? चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी यहाँ पर बने सूरीनाम के नए नए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और नई क्या है शिक्षा नीति सामने आ रही है जो 34 वर्षीय पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।